हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इनटेक चैनल। आज हम बताने वाले हैं रियलमी X3 एंड रियलमी X3 सुपर जूम, क्या ये दोनों फ़ोन ओवर प्राइज्ड है। अगर ओवर प्राइज्ड है तो फिर क्यों। फुल डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो के अंत तक देखते रहिए। रियलमी X3 एंड रियलमी X3 सुपर जूम, इन दोनों का जो स्टाइल है, मतलब पीछे का डिज़ाइन सेम है और कलर जो है वो भी सेम है। आपको जो कैमरा का शेड्यूल मिलेगा पीछे वो भी एकदम सेम मिलेगा। आपको जो सामने फ्रंट कैमरा जो 32 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का दोनों कैमरा मिलता है वो भी लगभग सेम ही है। मतलब पूरा दोनों फ़ोन एकदम सेम है। सिर्फ आपको रियलमी एक्सट्रीम सुपर जूम में आपको सिर्फ 60x का एक्स्ट्रा जूम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पेरिस्कोप ऑप्टिकल जूम 8 मेगापिक्सल का एक सेंसर इसमें एक्स्ट्रा है जो अच्छा 60x तक जूम कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 60x तक जूम करता है ये 5-10x तक वो ऑप्टिकल जूम कर सकता है, लेकिन 60x तक जाते जाते शायद ये डिजिटल जूम के जैसा हो जाए। जैसे कि डिजिटल जूम अगर हो गया तो फिर आपका जो पिक्चर है वो ब्लर टाइप का थोड़ा सा आ सकता है। ये तो अब यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, तो देखते हैं क्या होता है। और आपको पीछे मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और ऑटो फोकस वाइड एंगल अगर देता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर माइक्रो दे दिया है तो इस जगह पर उन लोगों ने थोड़ा खामती के कर दी है। जैसे कि जो कम प्राइस में जो फ़ोन आते हैं उसमें माइक्रो देते हैं, तो यहाँ पर वाइड एंगल ऑटो फोकस में देना चाहिए था। तो वो सब छोड़ कर इसका जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है वो है स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर, जिसमें आपको मिलेगा UFS 3.0। और आप इस ये जो स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर है ये 30,000 के नीचे वाले फ़ोनों में आपको शायद देखने को मिलेगा। जैसे कि इस देखने को मिलेगा जैसे वन प्लस का है 70, रियलमी का ही और एक फ़ोन है रियलमी X2 Pro, वैसे ही आपको 30,000 के नीचे वाले फ़ोनों में आपको 865 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया गया है, ये इस जगह पर थोड़ा खामती हो गया है। इसमें आपको दिया गया है LCD डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। अगर यहाँ पर इसका जो प्राइस है, जैसे कि रियलमी X3 है 25,000 और रियलमी X3 सुपर जूम है 35,000, तो फिर इन 25,000 और 35,000 तो बहुत सारे पैसे होते हैं। तो फिर यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देना चाहिए था, और अगर एमोलेड डिस्प्ले देते और 90Hz का रिफ्रेश रेट देते तो भी अच्छा कॉम्बो होता, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, 120Hz का रिफ्रेश रेट दे दिया और LCD डिस्प्ले दे दिया। तो अब तो दे दिया, अब क्या कर सकते हैं, छोड़ो। तो रेडमी K20 Pro जो है, रेडमी का जो K20 Pro है उसमें आपको 855 वाला प्रोसेसर मिलता है और उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिलता है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, और ये फ़ोन 25,000 से 20,000 में ही आपको मिल सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा है। और इसमें जो आपको जो पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, रियलमी X3 सुपर जूम में आपको जो पंच होल डिस्प्ले मिलेगा उसमें आपको 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलेगा। तो आपको सेल्फी तो बहुत दमदार होने वाला है, और आपका जो आप अगर सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, जैसे ब्लॉगर हो आप, तो फिर ये फ़ोन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बैटरी में भी यहाँ पर आपको कंप्रो करना पड़ेगा। जैसे बैटरी आपको दे के रखा है 4200mAh का, बड़ा सा नहीं, मीडियम सा बैटरी दे के रखा है। और इसमें इसके साथ आपको मिलता है 30W का चार्जिंग। तो फिर भाई, आपने जो X2 Pro जो आपका लॉन्च किया था उसमें ही आपने 50W का फर्स्ट चार्जर दिया था, तो फिर Realme X3 और Realme X3 सुपर जूम में भी आपको 50W का चार्जर देना चाहिए था, मगर इसमें भी आपको मिलेगा। गेमिंग के लिए स्पेशली इसमें आपको लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट मिलता है, तो ये अच्छा एक फीचर है। Realme X3 और Realme X3 सुपर जूम दोनों ही सेम है भाई, तुम विश्वास करो, दोनों में सब कुछ सेम है, स्टोरेज से लेकर सब कुछ सेम है। सिर्फ Realme X3 सुपर जूम में आपको 60x का सुपर जूम मिलता है, बस इतना ही। इसके लिए कौन 10,000 रुपये ज़्यादा देगा भाई। Realme X3 जो है वो आपको 25,000 में मिलता है, और Realme X3 सुपर जूम जो है उसका प्राइस है 35,000। अब आप ही बताओ मुझे कि 10,000 रुपये आप ज़्यादा दोगे सिर्फ 60x जूम के लिए। मैंने तो मेरा ओपिनियन दे दिया, अब आपकी बारी। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा ये फ़ोन।
एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।